Hey everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss the topic Let's March of 10th Standard SSC Board. This is part 1. So, let's begin. Aage padhne se pehle, let us know the meaning of the title that is Let's March. Let's March ka matlab hota hai ki chalo hum improve karte hain, chalo hum aage badhte hain. मार्च मीन्स आगे बढ़ना, ये मंथ नहीं है. मार्च यहाँ पर जो मार्च है इसका मीनिंग होता है आगे बढ़ना, प्रगति की राह पर चलना, इम्प्रूव करना अपने आप को. ओके, सो फर्स्ट लेट अस सी अबाउट द राइटर. कैलाश सत्यार्थी इज एन इंडियन चिल्ड्रंस राइट्स एंड एजुकेशन एडवोकेट एंड एन एक्टिविस्ट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. तो कैलाश सत्यार्थी जिनका बर्थ 1954 में हुआ था, वो एक इंडियन चिल्ड्रंस राइट्स एंड एजुकेशन एडवोकेट, दैट मींस बच्चों के जो उनके अधिकार होते हैं, जो उनकी शिक्षा होती है, एजुकेशन होती है, उसके एडवोकेट थे, वकील थे. मीन्स उसके बारे में उनका ज़्यादा व्यूज़ उनकी बच्चों के राइट्स और एजुकेशन से रिलेटेड होते थे. वो एक एक्टिविस्ट थे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, दैट मीन्स जो बच्चे काम करते हैं, काम इन द सेंस मीन्स पैसा कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए जो बच्चे चाइल्ड लेबर होता है, तो उसके वो अगेंस्ट थे. ही फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन इन 1980. तो उन्होंने 1980 में एक आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया था, बचपन बचाओ आंदोलन, एंड हैज़ एक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मोर देन 83,000 चिल्ड्रन अक्रॉस 144 कंट्रीज. और 144 कंट्रीज़ में उन्होंने 83,000 से ज़्यादा बच्चों के राइट्स को उन्होंने प्रोटेक्ट किया था. ही इज़ ऑनर्ड विद मैनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग, उनको कई अवार्ड्स मिले जिसमें नोबल पीस प्राइज 2014 का भी उनको मिला था. ही हैड एड्रेस्ड दिस स्पीच ऑन द ईव ऑफ नोबल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी. ये एक स्पीच है, हम जो पढ़ने वाले स्पीच है या फिर स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके का लेक्चर है, जो उन्होंने नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, दैट मीन्स जब उनको नोबेल प्राइज़ मिला था उसकी शाम उन्होंने ये स्पीच दी थी. तो हम देखते हैं क्या स्पीच थी. स्टार्ट हो रही है. माई डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, योर मेजेस्टीज, योर रॉयल हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, डियर ब्रदर टॉम हॉकिन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड माई डियर डॉटर मलाला. तो जैसे हम एड्रेस करते हैं ना, जैसे हम स्टार्ट करते हैं कि ऑनरेबल प्रिंस, अगर आप क्लास स्कूल में बोल रहे हो तो आप बोलेंगे ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड टीचर्स, इस तरह उन्होंने भी एड्रेस किया जो भी वहाँ बैठे थे उनको. फ्रॉम दिस पोडियम पीस, पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी, आई एम डीपली ऑनर्ड टू रिसाइट अ मंत्र फ्रॉम द एंशियंट टेक्स्ट ऑफ विजडम वेदास. तो पोडियम, पोडियम मीन्स आप कह सकते हैं वो जगह जहाँ पर आप खड़े होकर स्पीच देते हैं. तो पोडियम एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे कोई भी ऑडियंस के लिए कुछ भी स्पीच या फिर एंकरिंग कुछ भी हो सकती है वो, बट ऑडियंस से वो कुछ भी बातें करते हैं. सो उस पोडियम पे खड़े होकर बोलते हैं कि पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी. हम जानते हैं कि उनको प्राइज़ मिल रहा था, नोबेल प्राइज़, तो वो उनको पीस के लिए मिला था, शांति के लिए. तो शांति और मानवता के इस पोडियम पे खड़े होकर वो बोल रहे थे कि मैं बहुत ही ऑनर्ड फील कर रहा हूँ, आई एम डीपली ऑनर्ड टू रिसाइट अ मंत्र. एक मंत्र वो बोलने चाह रहे थे. मंत्र इन द सेंस ज़रूरी नहीं है जो हम होली मंत्र बोलते हैं वैसा ही है. मंत्र मीन्स होता है कि सक्सेस के लिए एक रास्ता, एक आप कह सकते हैं किसी का व्यू, किसी के थॉट्स भी हो सकते हैं मंत्र में. तो उन्होंने कहा कि एक एंशियंट टेक्स्ट ऑफ विजडम वेदास के जो वेद हैं, हम आप लोगों ने आप जानते होंगे वेद के बारे में, तो वेद से उन्होंने एक मंत्र लिया था. वो बहुत हैप्पी थे उस मंत्र को बताने के लिए उस स्पीच में. दिस मंत्र कैरीज अ प्रेयर, एन एस्पिरेशन एंड अ रिजॉल्व दैट हैज़ द पोटेंशियल टू लिबरेट ह्यूमैनिटी फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस. तो ये जो मंत्र है वो उसमें क्या है, एक प्रेयर है, एक एस्पिरेशन है. एस्पिरेशन मीन्स आप कह सकते हैं एक विश है, एक इच्छा है, एक रिजॉल्व है, किस चीज़ का रिजॉल्व है, दैट हैज़ द पोटेंशियल, जिसमें इतनी शक्ति है टू लिबरेट ह्यूमैनिटी, जिसको ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ा सके या ह्यूमैनिटी को जो भी
प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में उनसे सेव कर सके, उनसे सॉल्यूशन फाइंड करने में उनकी हेल्प कर सके। लेट्स वॉक टुगेदर। और वो क्या बोलते हैं कि चलिए हम साथ में आगे बढ़ते हैं। इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट और लेफ्ट बिहाइंड इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। उनका कहना है कि हम सबको साथ में आगे बढ़ना है इस ग्लोबल प्रोग्रेस में, कहीं भी कोई एक पर्सन भी पीछे न रह जाए, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से हो। दैट मीन्स फ्रॉम ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, कंप्लीट वर्ल्ड में सब आगे बढ़े और सब एक साथ आगे बढ़े। लेट्स स्पीक टुगेदर, लेट आवर माइंड कम टुगेदर। वो कहते हैं कि हम सब एक साथ आवाज़ उठाएं, हम सब अपने दिमाग को एक साथ आगे बढ़ाएं। लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स, लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल। और वो कहते हैं कि हम अपने एंसेस्टर्स मीन्स जो पूर्वज हैं, जो पहले महान लोग रह चुके हैं, उनके एक्सपीरियंस से हम सीखें और हम सब एक साथ आगे बढ़ते हुए उन नॉलेजेस, जो भी नॉलेज है, उन नॉलेज से अपने आप को क्या करें, बेनिफिट करें, ऐसा कुछ करें कि वो नॉलेज हमारे लिए बेनिफिशियल हो। आई बो टू माई लेट पेरेंट्स, टू माई मदरलैंड इंडिया एंड टू द मदर अर्थ। वो कहते हैं कि मैं सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाता हूँ मेरे पेरेंट्स जो अब नहीं रहे, लेट पेरेंट्स के लिए, मेरी मदरलैंड इंडिया के लिए और इवन पूरी मदर अर्थ के लिए। विद अ वार्म हार्ट आई रिकॉल हाउ थाउजेंड्स ऑफ टाइम आई हैव बीन लिबरेटेड, ईच टाइम आई हैव फ्रीड अ चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी। वो कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छे दिल से मैं ये चीज़ हज़ार बार कहना पसंद करता हूँ कि जब भी मैंने अपने आप को ट्रेडिशनल आइडिया से दूर किया है, मैंने हर बार एक बच्चे को गुलामी से आज़ाद किया है, उसको फ्री किया है, हर चाइल्ड को। इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन द ब्यूटीफुल फेसेस आई सी द गॉड स्माइलिंग। और जब भी उन्होंने उन चिल्ड्रन को, जिस भी चाइल्ड को उन्होंने फ्री किया है स्लेवरी से, तब उसके फेस पे जो ब्यूटीफुल सी स्माइल आती थी, उनको ऐसा लगता था कि वो गॉड ही है, मीन्स गॉड ही मुस्कुरा रहे हैं। I give the biggest credit of this honor to my moments Kalu Kumar, Dhoom Das and Adarsh Kishore from India and Iqbal Masih from Pakistan, who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children. और उनके इस movement में कुछ लोग साथ थे उनके, जिन्होंने उनकी help की और जिनके कारण वो अपना इस movement को, या इस जो भी वो start कर रहे थे इस program को, वो आगे बढ़ा पाएँ। और मेन चीज़ क्या थी, बच्चों की, स्पेशली जो चिल्ड्रन, जो लेबरर्स थे, जो लेबर में इंगेज थे, काम में लग रहे थे, तो उन बच्चों को फ्रीडम दिलवा सकें और उनकी रिस्पेक्ट को मेंटेन कर सकें, उनके रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस काम में उनके कुछ हेल्पर्स भी रहे हैं, इंडिया से भी रहे हैं और इवन पाकिस्तान से भी रहे हैं। आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टियर्स, माई फेलो एक्टिविस्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड माई कंट्रीमैन। तो वो कहते हैं कि मैं ये अवार्ड जो ले रहा हूँ, ये उन सब के बिहाफ में, दैट मीन्स इसमें उनका भी पार्ट है, उनके बिहाफ में मैं ये अवार्ड रिसीव कर रहा हूँ। मार्टियर्स मीन्स आप कह सकते हैं वो लोग जो अब नहीं रहे, शहीद हो गए हैं। माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्ध, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी, इंडिया टू नॉर्वे is a connect between the two centers of global peace and brotherhood, ancient and modern. तो वो कहते हैं कि मेरी जो जर्नी है, वो महान लैंड, जो जहाँ पर महान भूमि, जहाँ पर लॉर्ड बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महान लोगों ने जन्म लिया, दैट इज़ इंडिया। तो वो कहते हैं कि जो मेरी जर्नी है इंडिया से नॉर्वे तक, वो एक ऐसा कनेक्शन है दो सेंटर्स के बीच में, जिसमें क्या कनेक्ट हुआ है, ब्रदरहुड कनेक्ट हुआ है। दैट मीन्स पीस और ब्रदरहुड, भाईचारा बढ़ा है और ऐसा लग रहा है एंशियंट और मॉडर्न, पुरानी चीज़ें और नई चीज़ें एक साथ आगे बढ़ रही हैं। फ्रेंड्स, द नोबल कमिटी हैड्स जेनरसली इनवाइटेड मी टू प्रेजेंट अ लेक्चर। वो कहते हैं कि फ्रेंड्स, जो नोबल कमिटी है, उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से, मीन्स जनरली, मीन्स आप कह सकते हैं रिस्पेक्टफुली, ऑनरेबली मुझे इन्वाइट किया है, या हैप्पीली मुझे इन्वाइट किया है एक लेक्चर प्रेजेंट करने के लिए।
रिस्पेक्टफुली आई एम अनेबल टू डू दैट। पर वो कहते हैं कि शायद मैं इस चीज़ के लिए मैं उतना एबल नहीं हूँ या मैं सक्षम नहीं हूँ, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर द साउंड ऑफ साइलेंस। वो कहते हैं कि मैं लेक्चर कैसे दूँ, क्योंकि मैं जो यहाँ पर हूँ मैं साउंड ऑफ साइलेंस मीन्स आप सोच सकते हैं कि खामोशी की जो आवाज़ है, दैट मीन्स ऐसी आप कह सकते हैं कि जैसे कुछ चिल्ड्रन होते हैं जो चाइल्ड लेबर्स में हो सपोज़, तो अगर उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है तो उस प्रॉब्लम को कौन सुनने वाला है, कोई नहीं सुनता। किसी की कुछ प्रॉब्लम से कोई अपनी प्रॉब्लम में घिरा हुआ है, किसी को कुछ भी टेंशन से, तो कौन सुनता है, दुनिया तो नहीं सुनती, कुछ एक उसके आसपास के लोग सुन सकते हैं बट हर कोई नहीं सुनता, राइट। सो साउंड ऑफ साइलेंस मीन्स जहाँ एकदम साइलेंस है, दैट मीन्स वो पर्सन अंदर ही अंदर परेशान हो रहा है, वो बच्चा अंदर ही अंदर घुट रहा है उसको कई सारी प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स का साउंड किसी को भी ऑडिबल नहीं है। तो वो कहते हैं कि मैं उन बच्चों का साउंड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, द क्राई ऑफ इनोसेंस। इनोसेंस मीन्स मासूमियत। तो जो बच्चे होते हैं, जो मासूम बच्चे होते हैं, तो उनके जो उनका जो रोना है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसी रिक्वेस्ट जो बच्चे करते हैं पर जो हम नहीं सुनते, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको नहीं सुनते, हम उनको क्या कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, तो मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, फेस ऑफ इनविजिबिलिटी मीन्स आप कह सकते हैं अननोटिस्ड, ऐसा फेस, ऐसी प्रॉब्लम्स जिसको हम नोटिस नहीं करते, जो पुअर बच्चे होते हैं, जो इनोसेंट बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड लेबर्स में इन्वॉल्व रहते हैं, उन बच्चों की हम जो प्रॉब्लम्स होती है उसको नोटिस नहीं करते। तो वो कहते हैं कि मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। आई रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ दोज चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट बिहाइंड एंड दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट एन एम्प्टी चेयर हियर एज अ रिमाइंडर। तो वो कहते हैं कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उन बच्चों को, उन मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन को जो पीछे छूट गए हैं, और इसीलिए मैंने एक चेयर अपने पास खाली रखी है उनकी याद में। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर, हुम डज द राइटर और कैलाश सत्यार्थी रिप्रेजेंट, हुम डज कैलाश सत्यार्थी रिप्रेजेंट, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, आई हैव कम हियर ओनली टू शेयर द वॉइस एंड ड्रीम्स ऑफ आर चिल्ड्रन। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपने वॉइस और ड्रीम्स, जो बच्चों की वॉइस, जो उनकी आवाज़ है, जो उनके सपने हैं, उनको शेयर करने आया हूँ, बिकॉज दे आर ऑल आर चिल्ड्रन। वो कहते हैं कि क्योंकि वो हम सब मीन्स वो सब हमारे बच्चे हैं। गेस्टर्स टू एवरी वन इन द ऑडियंस, गेस्टर मीन्स वो इशारा करते हुए कहते हैं ऑडियंस में, ऑडियंस को कहते हैं कि जो बच्चे जिनकी मैं आवाज़ बन के आया हूँ, जिनका मैं सपना लेकर आया हूँ, दैट मीन्स वो बच्चे जो कई सारी फैसिलिटीज़ से मीन्स जिनको कई सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, तो उन बच्चों की मैं आवाज़ बन के आया हूँ यहाँ पर, उनके बच्चों का मैं सपना बन के आया हूँ, और वो सब बच्चे हमारे हैं, वो ऑडियंस देखते हुए ये बात कहते हैं। आई हैव लुक्ड इन टू देयर फ्राइटन एंड एग्जॉस्टेड आइज़। वो कहते हैं कि मैंने उनकी डरी हुई सी, सहमी हुई सी आँखों में देखा है, थकी हुई सी आँखों में देखा है। आई हैव हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडीज एंड फेल्ट देयर ब्रोकन स्पिरिट्स। मैंने उनके टूटे हुए शरीर को हाथ में पकड़ा है, दैट मीन्स कहीं से उनको घाव हो रहे हैं, कहीं उनको प्रॉब्लम कहीं उनसे लग रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, कुछ भी हो रहा है, तो उनको मैंने अपने हाथों से मीन्स हाथों में उठाया है उन बच्चों को, या फिर उन बच्चों को मैंने देखा है, उनकी जो आत्मा है जो पूरी तरह से घायल हो चुकी है, उस आत्मा को मैंने महसूस किया है। 20 years ago in the foothills of the Himalayas, I met a small skinny child laborer. वो कहते हैं कि 20 साल पहले की बात है हिमालयाज के फुट हिल्स में, दैट मीन्स फुट साइट में उनको एक स्मॉल सा दुबला पतला सा बच्चा मिला जो चाइल्ड लेबर था, और उसने पूछा, इज़ द वर्ल्ड सो पुअर दैट इट कैन नॉट गिव मी अ टॉय और अ बुक एंड अ बुक इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग मी टू टेक अ गन और अ टूल। तो उस बच्चे ने पूछा कि क्या वर्ल्ड इतना पुअर है कि वो मुझे टॉय नहीं दे सकता, मेरे लिए कोई बुक अरेंज नहीं कर सकता, और इसी जगह वो मुझे फोर्स कर रहा है कि या तो मैं गन उठा लूँ, या तो मैं नेगेटिव साइड चला जाऊँ, या फिर मैं कुछ काम में लग जाऊँ, लाइक चाइल्ड लेबरर्स ओनली, राइट। तो कहते हैं या तो मैं कोई टूल उठा लूँ जिससे मैं अपना काम करने लग जाऊँ, या फिर मैं गन उठा लूँ, हथियार उठा लूँ।
Next, he shares the story of second one. That is, I met with a Sudanese child soldier. Sudanese आप कह सकते हैं जो सूडान कंट्री है वहाँ के जो citizens हैं उनको हम Sudanese कहते हैं, like India के Indians in the same way. So Sudanese child soldier से वो मिले. He was kidnapped by an extremist militia. Militia, extremist militia आप कह सकते हैं एक anti-government या ऐसा एक ग्रुप जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है, जो गवर्नमेंट के साथ में नहीं चलता है, जो कहीं ना कहीं मीन्स दंगे ये सब करने का उनका काम रहता है. तो ऐसे ही लोगों के थ्रू, ऐसे ही ग्रुप के थ्रू वो बच्चा किडनैप हुआ था. एज फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन ही वॉज फोर्स टू किल हिज फ्रेंड्स एंड हिज फैमिली. और उसको जब ट्रेनिंग दी गई तो उसका पहला लेसन यही था कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को मारना है. ही आस्क्ड मी What is my fault? उसने कहा कि मेरी क्या गलती है, मैं तो छोटा था और मुझे इन लोगों ने किडनैप कर लिया और मुझे फोर्स किया मारने के लिए और शायद उसको मारना भी पड़ा. Friends, all the great religions teach us to care for our children. तो वो कहते हैं कि सारे religions हमको यही सिखाते हैं कि हम बच्चों को किस तरह से उनकी केयर करें, उनका ख्याल रखें. Okay, so our next question comes over here. What was the story of the Sudanese child? Sudanese child soldier या Sudanese child की क्या स्टोरी थी? What was the story of the Sudanese child soldier? Okay, then let us continue. Let the children come to okay, yes, sorry. Friends, all the great religions teach us to take care of our children. वो कहते हैं कि सारे religions हमको यही बताते हैं कि हम बच्चों की किस तरह से ध्यान रखें, हमको ध्यान रखना चाहिए. जीसस कहते हैं लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, डू नॉट हिंडर देम फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम. तो जीसस ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनको मेरे पास आने दो, उनको कहीं भी रोको मत, उनकी प्रोग्रेस को उन अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी प्रोग्रेस को मत रोको, क्योंकि जो किंगडम है गॉड का वो उन बच्चों के लिए है. द होली कुरान सेज किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. कहते हैं गरीबी के कारण अपने बच्चों को मत मारो. फ्रेंड्स देयर इज नो ग्रेटर वायलेंस देन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन. वो कहते हैं कि फ्रेंड्स इससे बड़ा कोई भी वायलेंस, सबसे बड़ा जो गलत काम है वो यही है कि अगर हम अपने बच्चों के ड्रीम्स को डिनाई कर रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं कि नहीं तुम ये सपना मत देखो या उनके सपने को पूरा होने नहीं दे रहे हैं. Therefore, I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children. तो कहते हैं कि मैं इस चीज़ को मानने से इनकार करता हूँ कि कहीं भी हमारे जो temples हैं, mosques हैं, church हैं, prayer houses हैं, तो वहाँ पर कहीं भी भगवान के घर में किसी भी जगह ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर बच्चों के dreams को पूरा होने से रोका जाए. I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of global military expenditure can bring all the children to classrooms. वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ को मानने से या इस चीज़ को बिलीव करने से एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ करता हूँ कि वर्ल्ड इतना पुअर है कि बच्चों को एक क्लासरूम तक नहीं प्रोवाइड कर सकता. लाइक व्हेन जस्ट 1 week ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो मिल रहे हैं या जो भी हम खर्चा करते हैं उस एक वीक के खर्चे से भी बच्चों को क्लासरूम्स अवेलेबल हो सकती, तो वर्ल्ड इतना भी पुअर नहीं है. आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट द शेकल्स ऑफ स्लेवरी कैन एवर बी स्ट्रॉन्गर देन द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम. वो कहते हैं कि जो मैं इस चीज़ को भी मानने से इनकार करता हूँ कि जो चेन्स हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जो हथकड़ियाँ होती हैं स्लेवरी की या जो चेन्स हैं गुलामी के जिसने बच्चों को बांध रखा है वो इतनी स्ट्रॉन्गर हैं क्या जो फ्रीडम की क्वेस्ट मीन्स आप कह सकते हैं हंगर. किसी चीज़ को पाने के लिए हम हंगरी होते हैं ना, हंगरी इन द सेंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं उस चीज़ के लिए. तो कहते हैं कि क्या जो स्लेवरी है, जो गुलामी है, उसकी जंजीरें या उसकी जो चेन्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं as compared to freedom से, क्या freedom से ज़्यादा important या ज़्यादा stronger slaveness है? तो वो चीज़ पूछते हैं. I refuse to accept here. वो कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों को मानने से इनकार करता हूँ कि जो slavery की जो chains हैं वो ज़्यादा stronger है as compared to quest for freedom. Quest means again hunger, इस चीज़ की hunger होना.
बहुत ज़्यादा किस चीज़ की इच्छा होना. माई ओनली एम इन लाइफ इज़ दैट एवरी चाइल्ड इज़ फ्री टू बी अ चाइल्ड. वो कहते हैं कि मेरा जो एम है लाइफ में वो कुछ ऐसे है. पहला, हर चाइल्ड फ्री हो एक चाइल्ड की तरह रहने के लिए, फ्री हो ग्रो करने के लिए और डेवलप करने के लिए, फ्री हो खाने के लिए, सोने के लिए और दिन की रोशनी मीन्स रोशनी को देखने के लिए, हंसने के लिए, रोने के लिए फ्री हो, खेलने के लिए, सीखने के लिए फ्री हो, स्कूल जाने के लिए फ्री हो और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने सपने को देखने के लिए और उसको जीने के लिए, उसको सच करने के लिए फ्री हो. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, व्हाट इज़ द एम ऑफ कैलाश सत्यार्थी, उनका एम क्या है. मूविंग अहेड, आई हैव द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद मैनी करेजियस पीपल हु हैव द सेम एम तो उन्हें कहा है कि मुझे कुछ ऑनर मिला है ऐसे लोगों के साथ भी काम करने का, ऐसे करेजियस पीपल के साथ करने का जिनका एम भी यही था. वी हैव नेवर गिवन अप अगेंस्ट एनी थ्रेट और अटैक एंड वी विल एंड वी नेवर विल. वो कहते हैं कि हमने कभी भी किसी भी धमकी के आगे, किसी भी अटैक के आगे अपने आप को सरेंडर नहीं किया, अपनी इच्छाओं को ब्रेक नहीं होने दिया, अपने जो करेज था उसको ख़त्म नहीं होने दिया. हम हमेशा आगे बढ़ते गए और आगे भी हम यही करेंगे. वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स. उन्हें कहा कि पिछले जो डिकेड्स में, कपल ऑफ डिकेड्स मीन्स आप कह सकते हैं कि कपल मीन्स होता है टू और डिकेड्स मीन्स 10 ईयर्स का एक पीरियड, तो 20 ईयर्स आप मान सकते हैं. तो कहते हैं कि पिछले 20 ईयर्स में, लास्ट 20 ईयर्स में हमने काफ़ी प्रोग्रेस की है. वी हैव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बाय हाफ. हमने जो बच्चे जो स्कूल में नहीं जाते थे, स्कूल के बाहर थे, उनकी जो नंबर था, उनका जो उन्होंने काउंट जो किया था वो हाफ कर दिया है. दैट मीन्स अब अगर सपोज 100% बच्चे नहीं जाते थे तो अब एटलीस्ट 50% बच्चे तो स्कूल जाते हैं. वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स बाय अ थर्ड. वो कहते हैं कि 1/3 उसका हमने जो चाइल्ड लेबरर्स हैं उनको रिड्यूस कर दिया है. वी हैव रिड्यूस चाइल्ड मोर्टैलिटी एंड माल न्यूट्रिशन. वो कहते हैं कि इवन हमने मोर्टैलिटी रेट दैट मीन्स डेथ रेट जो होती है बच्चों की, या माल न्यूट्रिशन जो उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता है उस रेट को भी हमने कम किया है. एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ्स. उन्होंने कहा कि इवन हमने मिलियंस जो बच्चे की डेथ होने वाली थी उसको हमने काफ़ी हद तक रोका है. अप टू मिलियंस दे हैव सेव्ड. बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन. वो कहते हैं लेकिन हम इस चीज़ में मिस्टेक नहीं कर सकते, अभी और सारे चैलेंजेस बाकी हैं. फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज और द बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ द ह्यूमन काइंड इज फेयर एंड इंटॉलरेंस. वो कहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज ही हमारे लिए क्या है, इंटॉलरेंस. इंटॉलरेंस मीन्स किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना. We have utterly failed our children in imparting an education. हम हमेशा अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने में फेल हुए हैं. An education that gives the meaning and objective of life. वो कहते हैं ऐसी एजुकेशन जो मीनिंग और लाइफ को एक ऑब्जेक्टिव देती है, एक गोल देती है, ऐसी एजुकेशन को हम बच्चों को देने में फेल हुए हैं. An education that gives a sense of global citizenship among the youth. ऐसा एजुकेशन जो एक सेंस देता है या एक समझ देता है जिससे बच्चा जो है, जो यूथ है, दैट मीन्स जो यंग स्टूडेंट्स या यंग पीपल हैं, यंग जनरेशन है, उसमें एक ग्लोबल सिटीजनशिप, लाइक आप कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड हमारा है, पूरा वर्ल्ड के साथ एक साथ हमको रहना है, तो वो वाली जो फीलिंग होती है ऐसी एजुकेशन. आई एम अफ्रेड दैट डे इज़ नॉट वेरी फार अवे व्हेन द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ दिस फेलियर विल कल्मिनेट in an unprecedented violence and that will be suicidal for humankind. वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ से थोड़ा सा सहमा हुआ हूँ, डरा हुआ हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब cumulative result, cumulative मीन्स आप कह सकते हैं कि एक progress में आने वाला result होता है, वन बाय वन जो progress होती रहती है. तो कहते हैं कि cumulative result of this failure, अगर हमने इस चीज़ को आगे तक जाने दिया, अगर हमने इस education को सब बच्चों तक नहीं पहुँचाया, तो क्या होगा, ये वायलेंस बढ़ता जाएगा और ये एक तरीके से सुसाइडल हो सकता है ह्यूमन काइंड के लिए. राइट्स, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड
थ्रू एजुकेशन। वो कहते हैं कि राइट, सिक्योरिटी और जो उम्मीद है, होप, वो सिर्फ एजुकेशन से ही वापस ली जा सकती है। यंग पीपल लाइक मलाला, यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलाला। वो एक जब वो छोटी थी, छोटी इन द सेंस बहुत छोटी भी नहीं थी, यंग थी, उस टाइम उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो गई थी पढ़ाई के लिए। तो मलाला, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला, नॉट जस्ट मलाला। सो माई डॉटर मलाला एंड अदर डॉटर्स इंक्लूडिंग कयानत, इन फैक्ट टू कयानत्स एंड शाजिया एंड द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर राइजिंग अप एंड चूजिंग पीस ओवर वायलेंस, टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज्म एंड करेज ओवर फियर। तो वो कहते हैं कि कुछ और भी बच्चियाँ हैं, मीन्स वो इन सब को अपनी बेटी मानते हैं, और वो कहते हैं कि इन सब ने क्या किया है, इन्होंने पीस को सिलेक्ट किया है, मीन्स शांति को, लड़ाई के झगड़े के से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्होंने पीस को दिया है, टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म मैंने आपको बताया था, ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं जो एंटी जाते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं, तो उनके उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लाइक गवर्नमेंट के अगेंस्ट ज़्यादा, अगेंस्ट जाने से इम्पॉर्टेंस ज़्यादा उनको, उन्होंने किसको दी है, टॉलरेट करने को, दैट मीन्स सहन शक्ति, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। एंड करेज ओवर फियर, करेज मीन्स आप कह सकते हैं जब आपको दृढ़ निश्चय, मीन्स आप कभी एकदम स्ट्रांग रहते हैं, तो स्ट्रांगनेस को उन्होंने फियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, और उन्होंने इन अच्छी चीज़ों को ज़्यादा सिलेक्ट किया है एज़ कम्पेयर टू दीज नेगेटिव थिंग्स। द सोल्यूशंस आर एमर्जिंग, और जो सोल्यूशंस है वो अब उभर के आ रहे हैं, बट दीज सोल्यूशंस कैन नॉट बी फाउंड इन द डेलिब्रेशंस इन द कॉन्फ्रेंसेज अलोन एंड कैन नॉट बी फाउंड इन प्रिस्क्रिप्शंस फ्रॉम अ डिस्टेंस। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो सोल्यूशंस हैं, ये सिर्फ डिस्कस करने से ही नहीं आएंगे, या दूर से हम सिर्फ बातें कर रहे हैं उससे नहीं आएंगे, दे लाई इन स्मॉल ग्रुप्स एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स। वो कहते हैं कि ऐसे जो सॉल्यूशंस है वो इंडिविजुअल्स के अंदर हैं, वो लोकल ग्रुप्स मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हैं, वो मन में है, वो आर कन्फ्रंटिंग विद द प्रॉब्लम एवरी डे, जो इन प्रॉब्लम्स को सामना, उसका फेस कर रहे हैं, कन्फ्रंटिंग मीन्स फेस करना। तो कहते हैं कि जो लोग इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं ना, वही उनके मन में ही इस चीज़ के लिए सॉल्यूशन है, अदरवाइज़ बाकी सब जिनके पास ये प्रॉब्लम्स नहीं हैं, जिनके जिनकी लाइफ प्रॉपरली सेट है, उनको सिर्फ डिस्कशन करने में इंटरेस्ट होता है, लेकिन जो एक्चुअल में इसको सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए, उनके दिमाग में क्या आता है, सॉल्यूशंस आते हैं, और वो इन चीज़ों से डेली फाइट करते हैं। इवन इफ दे रिमेन अनएक्नॉलेज्ड, unrecognized and unknown to the world, the solution are with them। चाहे वो दुनिया, चाहे जो दुनिया है उनको acknowledge नहीं करे, उनको पहचाने नहीं, उनको माने ना, means that means ऐसा है कि जैसे हम सोच लें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, child labors होते ही नहीं है, उनको problems होती ही नहीं है, तो अगर लोग ये चीज़ जान के बैठ जाएँ कि नहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, फिर भी actual में तो ऐसा होता है, कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, तो उनकी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम उन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना भी चाहें, फिर भी जो सॉल्यूशन है तो उन बच्चों के पास ही मिलेगा, उन प्रॉब्लम्स में ही हमको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिलेगा। सो दिस वॉज द स्टोरी, दिस वॉज टुडेज स्टोरी, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।